कल दिनांक 11/7/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कांटी थाना में लगभग रात को एक लक्ष्मी शाह जी हैं जो कि वहाँ दामोदरपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक थाना को सूचना दी गई, एक कंप्लेंट किया गया कि उनका 11 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज उसको एक कुछ लोगों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। इस बात को की सूचना में त्वरित सूचना मिलने के तुरंत बाद ही थानेदार कांटी ने अपनी टीम के साथ एक जो संदिग्ध नंबर जिस नंबर से इस बच्चे के पिताजी को फ़ोन आया था कि आपके बच्चे को अपहरण कर लिया गया, उस नंबर पर वर्क किया गया। उसका तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन करते हुए उस नंबर के को खोजा गया, उस नंबर के धारक को खोजा गया और उसके बाद कांटी थाना की जो टीम बनाई गई थी उस टीम ने गाय घाट के पास से एक महिला जो उसके पिता को धमकी दे रही थी वो महिला और उस महिला को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया और उसके दो साथी जो थे वो भागने में फरार रहे हैं भाग गए। उसके बाद उस महिला को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई और तब उसके निशानदेही पे और वो जो बच्चा का अपहरण हो गया था, जो भुला गया था, उस बच्चे को गनीपुर के एक हॉस्टल में रखा गया था। उस हॉस्टल से उस बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया गया। इन सब चीज़ों के होने के बाद जब और इसमें विस्तार से पूछताछ की गई और डिटेल पता किया गया तो पता चला कि वो बच्चा जो है एक हॉस्टल में पहले रह के पढ़ाई करता था, 11 वर्षीय बच्चा जो है, बाद में किसी कारणवश आर्थिक स्थिति के वश उसे उस हॉस्टल से उसके पिताजी अपने घर वापस लेते गए थे जो कि दामोदरपुर के रहने वाले हैं। वहीं का कुछ इशू था जिसके बाद उसी हॉस्टल का जो ये हॉस्टल है उसको जो हॉस्टल चलाने वाली महिला और उसके साथी के द्वारा इस बच्चे का अपहरण किया गया था और कांटी थाना के द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए अप्रिय घटना को होने से रोका गया। क्या मोटिव था इनका मोटिव क्या था सर? नहीं, ऐसे कुछ इनका कुछ लेन देन का कुछ पैसे का कुछ बकाया था जो कि बताया गया था। हाँ, कुछ हॉस्टल का कुछ था जो ऐसा जैसा बताया गया था। बाकी इसमें और जांच अभी की जा रही है बट बच्चे को सक्सेसफुली रिकवर किया गया और वो जो महिला है वो पकड़ा गई और उसके साथ जो मोबाइल प्रयुक्त किया जा रहा था वो मोबाइल भी मिल गया और जो उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व थे वो अभी फरार हैं, पकड़ा गया। महिला का अमाउंट भी मांगा गया था क्या इसमें? नहीं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर आपको अपने बच्चे को देखना है तो कुछ ऐसी इस तरह का धमकी दिया गया था जिसके ऊपर थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले हमने बच्चे की रिकवरी की और उसके बाद अभी जो आगे और पूछताछ होगी और डिटेल्स आएगा उसके हिसाब से काम। महिला का पहले भी कुछ क्या उद्देश्य? नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं, बाकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, कुछ पता चलेगा तो। नहीं, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं आया। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कुछ पुरानी रंजिश होगी जो जिस हॉस्टल में रहती थी उसके मालिक के द्वारा, या फिर यहाँ पे कुछ और हो सकता है जो कि आपस में इन्होंने प्लान किया होगा। जो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इसको हम लोग बहुत जल्द क्लियर कर देंगे। जो हॉस्टल से रिकवर हुई है वो महिला के हॉस्टल है या किसी और? नहीं, महिला का ही हॉस्टल है गनीपुर का, जहाँ से उसके निशानदेही पे हमने बच्चे को रिकवर किया है। ये दोनों जो फरार हुए हॉस्टल के कर्मचारी? नहीं, वो महिला के साथी थे जो जिस पे जैसा कि अभी पता चला है। बाकी जिस नंबर से अभी हम लोगों ने डिटेल्स निकाला उस नंबर का और हम विस्तार से डिटेल निकाल रहे हैं तो और पता चलेगा कि उसने किससे बात की थी और कौन लोग कुछ रिलेशन भी था क्या आपस में उन लोगों का? नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी ये लोग इन लोग का आपस में कोई रिलेशन नहीं है किडनैपर और इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है बच्चे के बीच।